हाँ सर, मैंने वो डाउट इन पढ़ ली ट्वेंटी थी। एट क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक है। वन बाय वन सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके जो डाउट हैं वो सभी लोग ओपन करके रख लेंगे। चलिए, पहला है पेश क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर, एक डाउट होना बन रहा था क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोगों ने कर लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 6 सबको बन गया? यस यस सर, सर। वेरी गुड, यस बहुत सर। अच्छे, बहुत शानदार भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, मतलब आप लोगों ने ज़बरदस्त मेहनत करी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 सब कुछ कर लिया आपने। प्रियांशी बेटा, प्रगति को बुला लो बेटा। क्वेश्चन नंबर यस सर। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके गाइस, आप लोग कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे डाउट है। चलिए, हाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर को, 16। ओके ओके, 15 भी बन गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, ओके चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, वैसे सोल्यूशन दिया हुआ है, उसी तरीके से करना है, फिर भी हम लोग इसको पूरा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलिए देखिए क्या दिया है क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू इतना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा ना, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन है तो रूल्स के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा इस एंगल को ले लो थीटा। समर्थ लिंक सेंड कर दे बेटा क्लास, उसमें सारे बच्चे आ जाएं, है ना समर्थ? पाठशाला हाँ सर, ग्रुप में लिंक सेंड कर दो, सारे बच्चे जुड़ जाएं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बेटा ए अपॉन बी, तो ए परपेंडिकुलर और बी क्या बेटा? हाइपोटेनस। ठीक है, स्वास्थ्य परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, स्वास्थ्य ठीक है? यस सर। हाँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये अपन को पता नहीं है, बेस इसको एक्स मान लो, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सो आई कैन राइट एक्स इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो, तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी है एक्स इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू आ गई। चलिए अब देखिए आपको निकालना है। वो मैं आपकी लिंक सेंड कर रहा था बेटा, साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी दी गई है, साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी दी गई है, आपको निकालना है, आपको प्रूफ करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये जो दिया गया है वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे देखो। अब यहाँ पे आपने ए दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बन गया परपेंडिकुलर, बी बन गया हाइपोटेनस, तो एक्स कितना आएगा यहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम से इतना आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ सर। चलो अब बनाओ क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, जगह काफ़ी है, हो जाएगा ये। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, चल भाई सेक थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा का उल्टा। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है? बी, और बेस कितना है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यार इससे अभी भी होना था, ओके तो बच्चों यहाँ पे मैंने बताया सेक थीटा की वैल्यू बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, स्क्रीन शेयर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ओके ओके। तो सेक थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई यहाँ पे बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यार एकदम परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो भाई बढ़िया, एकदम लड्डू क्वेश्चन जा रहा है यार। ऊपर क्या आ गया? बी प्लस ए, और नीचे आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरा मन कह रहा मेरे बच्चे सारे यहीं पे आके फंसे हैं, क्योंकि यहीं पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी लगानी है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपना वो फॉर्मूला लगता है ना, बी प्लस ए और बी माइनस ए,
ये लग जाएगा। अब यार ये जो बी प्लस ए है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चालाकी करी गई यहाँ पे। बी प्लस ए को क्या आप अंडर रूट के अंदर बी प्लस ए का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? बेशक लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो बी प्लस ए है इसको आप दो बार रूट के अंदर लिख सकते हो, बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस ए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रूट के अंदर लिखता हूँ और इसका मैंने कर दिया होल स्क्वायर। अब एक पार्ट से एक पार्ट हो जाएगा कैंसिल, और ऊपर केवल आपके पास एक बी प्लस ए बचेगा रूट के अंदर, और नीचे बचेगा बी माइनस ए। तो दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, तो आपका आंसर बन गया बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। बताओ क्लियर है? वेरी नाइस, ठीक है। तो ये अभी आपको मिल जाएगा, सो डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस मेरे को लगता है आप लोग यहाँ तक आ गए होगे, केवल इसी पार्ट में ज्यादातर लोग बच्चे फंसे होगे, ठीक है। चलिए और बताइए कौन सा क्वेश्चन कराऊं, इसके बाद आ जाइए आप लोग। चलिए 28 फटाफट आते हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत, हाँ चलिए। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 देन प्रूव दैट, तो ऑप्शन में मिला के कैसे पूछेगा, देन बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यार ठीक है, साइन अल्फा दे रखा है तो सीधे वैल्यू पुट कर दो आप लोग। हालांकि ये क्वेश्चन अगर उसमें होता, अगर अभी अपन एंगल पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन उड़ा के हो जाएगा बहुत ईजी, बट अभी जब तक अपन ने एंगल नहीं पढ़े तो अपन को कन्वेंशनल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैसे करते हैं, साइन अल्फा इक्वल्स टू इतना दिया है 3 1/2 है ना, तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, यहीं पर कर देता हूँ इसको सॉल्व। चलिए साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, ये ले लो भाई, ये अल्फा एंगल है और 1 मतलब परपेंडिकुलर और 2 मतलब हाइपोटेन्यूस। ओके 1 मतलब परपेंडिकुलर, 2 हाइपोटेन्यूस है, तो आप अगर जानते हो तो ये भैया रूट 3 आएगा। कोई दिक्कत इसमें, अगर आप चाहें तो कर लें भैया, बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 है, बेस x ले लो, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना बच्चों। सो x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1, दिस विल गिव यू x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू रूट 3। चलो बहुत बढ़िया, x की वैल्यू रूट 3 आ गई। अब क्या करना, अब वैल्यू रखनी है लो, तो x आ गया अपने पास रूट 3, आपको क्या निकलना है, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा निकालना है। चलिए 3 cos अल्फा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है रूट 3, 3 रूट 3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2, रूट 3 अपॉन 2, बिल्कुल सही, एंड 4, एंड cos अल्फा फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब रूट 3 अपॉन 2 का होल क्यूब है भाई ये, cos क्यूब अल्फा मतलब होता है, बच्चे यहाँ पे फंसे गए आप लोग, cos क्यूब अल्फा मतलब कॉस अल्फा का होल क्यूब, रूट 3/2 का होल क्यूब। सो गाइज जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इट विल गिव यू 3√3/2 − 4। अब √3/2 का होल क्यूब, यार 2 का होल क्यूब तो सबको पता है 8 आता है, बिकॉज 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8 देता है। अब हाँ बेटा, वॉइस इज लैगिंग, मेरी वॉइस लैग कर रही है बच्चों, मेरी वॉइस लैग कर रही है, एक मिनट। चलो अभी वो लाइट गोल हो गई थी ना, अभी लाइट गोल हो गई थी, अब मैं इसको वापस डेटा कनेक्शन से ऐड कर देता हूँ। दो मिनट, ये इशू सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब ठीक है, अब सही हो जाना चाहिए। हेलो अब ठीक है ना, ओके ओके ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली, कॉस की वैल्यू चल रही थी हमारी, हाँ यहाँ पे। सो 2 × 2 × 8, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार किया 8 आ गया, एंड रूट 3 का होल क्यूब। बच्चों रूट 3 का होल क्यूब साइड में कर लो, बहुत ईजी है। सो रूट 3 का होल क्यूब अगर करोगे तो रूट 3 का होल क्यूब मतलब रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 इंटू रूट 3। बस कुछ लोग यहीं पर हिम्मत हार गए होंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा 3, और ये बन गया रूट 3, तो रूट 3 का होल क्यूब क्या बन गया 3 रूट 3। सो आई कैन पुट हियर
मल्टीप्लाइड बाई 3√3। चलिए काटाकुटी करो, 4 2 8, ओके। चलो भाई आ गया ये, इसको इसको सॉल्व कर दें हम लोग तो ये सब कुछ सही हो जाए। ओके सो नाउ इट बिकम 3√3/2 माइनस 3√3/2। अरे ये तो खेल ख़त्म हो गया भाई, आंसर कितना आ गया, 0 एग्जैक्टली। और यही आंसर था हमारा 0, सो आई कैन राइट हियर हैंस प्रूव्ड एंड गॉट द फुल मार्क्स। चलो बहुत बढ़िया सर। हाँ जी बेटा बोलिए सर। 19 क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। ओके क्वेश्चन नंबर 19। हाँ पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर है ना, मैं जल्दी से थोड़ा स्केप कर गया, समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन। भाई बड़ा है, तुमने सॉल्व किया है कि देर ऐसे देख के पूछ लिया बेटा कि काफी बड़ा है? सर वो समर्थ को समझ नहीं आया। समर्थ को समझ नहीं आया? समर्थ तुम क्यों नहीं पूछ रहे हो फिर भाई? सर मैंने पूछा था, वो मेरी वॉइस लैग हो गई थी इसलिए मैंने चैट में लिख दिया। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। ओके सो क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा ट्रायंगल बनाओ, बिल्कुल ये बन गया अपना ट्रायंगल। एंड नाउ टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। टेन थीटा की वैल्यू है ए बाई बी। ओके नाउ अगर ये ए बाई बी है तो यार पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी सिंपल। अब चलिए आपके पास एल एच एस क्या है, एल एच एस आपके पास है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। चलिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेनस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बेटा बी अपॉन हाइपोटेनस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे ए साइन थीटा प्लस बी, मतलब ये माइनस की जगह केवल प्लस कर देना है। चलो तो ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर प्लस करके बी और बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन यूज़ होगी, ए इंटू ए कितना हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर, बी इंटू बी कितना हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, अपॉन में ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों चीज़ें कैंसिल, आंसर आ गया यही जो दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग फटाफट, हालांकि मैं इसको भेजूंगा लास्ट में। चलिए डन, अगला क्वेश्चन बताएं डाउट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। बेटा प्रियांशी क्लास में हो? यस सर। हाँ प्रकृति को मैसेज कर दिया था बेटा आपने? सर आई हैव कॉल्ड हर बट शी हैज नॉट पिक्ड अप माय फोन। ओके सेम हियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा बेटा आपने, समवन आस्क क्वेश्चन नंबर 30 आई थिंक। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये बहुत ही अपने आप में खूबसूरत क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम 5 रुपए वाले चॉकलेट के टाइप ये क्वेश्चन है। ओके लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेटा कहा गया है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ बी। बेटा एक ट्रायंगल ले लो, ये ले लो एक ट्रायंगल, अब इसमें दो एंगल हैं, एक एंगल ए ये पकड़ लो और एक एंगल बी ये पकड़ लो। चलो बहुत बढ़िया, ये एंगल ए है ये एंगल बी है। कह रहा है कि भैया गिवन क्या है, गिवन कह रहा है एंगल ए और एंगल बी, कह रहा है साइन ए इक्वल टू साइन बी। ओके सर साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ बी। चलिए साइन ऑफ ए, ये ए है ये बी है, इसे सी ले लो, यही तो होगा। तो साइन ऑफ ए इक्वल टू इस एंगल के लिए क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर और ये बनेगा हाइपोटेनस। तो बच्चों इस एंगल के लिए साइन थीटा क्या बनेगा, साइन ए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसके सामने की चीज बी सी अपॉन हाइपोटेनस बनेगा ए सी ए बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही, ए सी नहीं बनेगा ए बी बनेगा एग्जैक्टली। एंड साइन बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है भाई, ये है ना, क्या बनेगा ए सी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल,
क्या आ गया, बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब ये है बी सी और ये है ए सी। अब क्लास नाइन्थ में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, याद करो कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल बी सी के सामने का एंगल ए है और ए सी का सामने एंगल बी है, देयर फोर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर है? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद। 31 भाई, 31 तो सेम है महोदय, 31 सेम है। अब इसमें क्या है, आपको साइड इक्वल दे दी गई है, बस वही एंगल इक्वल भाई सेम है बिल्कुल। देखो एक बार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मेरा वाला ट्रायंगल बना के सोचो। 31 कर लिया था, बताता मैंने 32 बताना है बेटा। हेलो, हाँ सर। बेटा 32 बताना है ना आपको, समर 32 बताऊं? हाँ सर, हाँ 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 हाँ। अरे बेटा तेरी वॉइस लैग हो रही ना, पहुंचती नहीं, हाँ पहुंचे नहीं पाता। चलो देखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, टेन ए इक्वल्स टू वन, कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है और उसमें राइट एंगल बना लो, ये बी पर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल बी है, कह रहा है टेन ए इक्वल्स टू वन है। भाई बड़ी अच्छी बात है, इनका कहना है टेन ऑफ ए इक्वल्स टू वन, टेन ए मतलब इस एंगल के लिए खेल दो, इस एंगल के लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या बन गया बच्चों, बी सी, बेस क्या बन गया ए बी, तो टेन ए इक्वल्स टू वन मतलब बी सी इक्वल्स टू कितना हो गया ए बी। ओके ये हमारे पास आ गया बी सी और ये हमारे पास आ गया ए बी, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू वन, मतलब टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू वन हमें प्रूफ करना है। अब रुक जाइए ज़रा सा बच्चों, ये देखिए बी सी और ए बी इक्वल है, मतलब जितना ये है उतना ये है, तो एक काम करो बी सी को भी एक्स मान लो और ए बी को भी एक्स मान लो, दोनों इक्वल है तो दोनों को एक्स मान लो और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया कितना भैया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया टू एक्स स्क्वायर। ओके ये हो गया अपने पास कितना, टू एक्स स्क्वायर। नाउ ये अपने पास आ गया टू एक्स स्क्वायर, ए सी ए बी हो गया टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, ये लो अंडर रूट कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर, हाँ जी। और रूट टू एक्स स्क्वायर को अगर आप ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो रूट टू बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा एक्स, इतना तो मैं कर सकता हूँ। अब भी हमसे क्या प्रूफ करवा रहे हैं कि टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू वन, तो टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू वन हमें प्रूफ करना है। तो हम तो एल एच एस वाले हैं भाई, एल एच एस लेके चलेंगे, आर एच एस से तो कुछ कर भी ना पाएंगे हम लोग। तो टू साइन ए कॉस ए, एल एच एस उठा लिया, टू साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ध्यान से देखे बच्चे लोग, परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट टू एक्स है, तो रख दें परपेंडिकुलर क्या है एक्स और हाइपोटेनस क्या है रूट टू एक्स, बिल्कुल सही है ना, है कि नहीं है बोलो। यस सर। कॉस परपेंडिक, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है एक्स और हाइपोटेनस कितना आया है, इसी को अपन ने एक्स रूट टू ही तो लिखा था, ये देखो अंडर रूट टू एक्स, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का वक्त आ गया, तो बेस भी यही है और ये है रूट टू और ये है एक्स। चलो एक एक्स से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर हो गया टू मल्टीप्लाइड बाई वन और रूट टू और रूट टू दो बार, सभी लोग जानते हैं कि जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, सो आंसर कितना आ गया वन और यही है हमारा आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, फोर आउट ऑफ फोर, डन गाइज। यस सर। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन 32 33, कौन सा नहीं बना बच्चे लोगों, डन, शीट खत्म हो गई भाई, क्लियर सब कुछ। यस सर।
हाँ ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी नाइस, वेरी गुड, जबरदस्त मेहनत करी आप लोगों ने, दिल खुश हो गया। चलिए अब अगली एक्सरसाइज। हाँ बेटा बोलिए। सर 31st क्वेश्चन में ना रेशियो बीसी अपॉन एसी एंड एसी अपॉन बीसी आ रहा है, तो फिर इसके आगे क्या करेंगे? एक मिनट मैं आ जाऊँ 31st में बेटा। हाँ 31st में आपके पास आ रहा है बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है बेटा, बी सी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। बोलिए। हाँ यस सर। हाँ अब स्क्वायर स्क्वायर हट गए तो क्या बन गया, बी सी इक्वल टू ए सी। क्लियर? यस सर। हाँ मतलब ये साइड के इक्वल है, और अगर ये दोनों साइड इक्वल है मतलब इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आया समझ में? यस सर। बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? क्लियर सर। ओके ओके डन। सो गाइज दिस इज कम्प्लीट एक्सरसाइज, आई होप यू ऑल हैव कम्प्लीटेड ओके अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन वेरी वेल। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये हम लोग पूरा कर चुके हैं बहुत बढ़िया से, और अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है चलिए आगे हमें क्या पढ़ना है बच्चों, एक तो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले, और दूसरा टॉपिक है, हमारे पास तीन टॉपिक इस चैप्टर में है, एक बेसिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली हैं, अब दूसरे टॉपिक में हमारे पास शुरू होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ओके, एंड तीसरा टॉपिक रहेगा टेबल। तो पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करा देता हूँ आज मैं, ओके लिखिए, हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स, एंगल्स कुछ हमारे पास फिक्स एंगल्स हैं उनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करेंगे, कुछ हमारे पास एकदम फिक्स एंगल्स हैं उनके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करेंगे, और वो एंगल्स कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ओके 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मे बी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर ये इनकी सबकी वैल्यूज़ कैसे आती हैं, तो अभी मैं बताऊँगा, बट पहले मैं इन एंगल्स पर वैल्यूज़ आपको याद करवा दूँ, इन एंगल्स पर आपको वैल्यू याद करनी है। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग इन सारे एंगल्स पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू देखेंगे, जैसे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा। बच्चों साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, देन कोट, कोसेक के बाद सेक लिख लो क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, एंड एट लास्ट कॉट थीटा। यार ये ले लो वैल्यूज़, ठीक है ओके। और अब यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दो थीटा की, इधर से वैल्यूज़ चलेंगी, पहली वैल्यू 0 डिग्री, दूसरी वैल्यू 30 डिग्री, तीसरी वैल्यू 45 डिग्री, देन वैल्यू 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ये वैल्यूज़ है बच्चों, और इन सभी वैल्यूज़ पर हमको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू चाहिए। फीलिंग लाओ, जैसे आपसे मैं बोलूँगा साइन 0 कितना होता है तो आप बताओगे मेरे को, मैं आपसे बोलूँगा साइन 30 कितना होता है, फिर आप कहाँ पे देखोगे, साइन के कॉलम में 30, मतलब ये आंसर। अब इसकी ट्रिक देखो बच्चों, इसकी ट्रिक क्या है, बहुत आराम से ट्रिक है, सभी लोग जानते होंगे शायद। ट्रिक क्या होती है इसकी, सबसे पहले आप नंबर लिख लो 0 से लेके 4 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4, ये इसकी ट्रिक है, एग्ज़ाम में जाना सबसे पहले ये काम करना है, और आई एम श्योर बच्चों इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बने हैं, आई एम श्योर क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों ये 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया, अब इसमें क्या करो, 4 का डिवाइड कर दो, आप ये मत पूछो क्यों कर दो, क्योंकि ट्रिक है, बस डिवाइड कर दो सबसे बड़े नंबर का, 4 का डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 0 बाई 4 0, 1 बाई 4 1 बाई 4 होता है, 2 बाई 4 कट गया बेटा 1 बाई 2 आएगा, 3 बाई 4 कट गया 3 बाई 4 आएगा, और 4 बाई 4 कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या कर दो, रूट ले लो पूरे का, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट,
चलो जीरो का रूट कितना, जीरो, वन बाई फोर का रूट वन बाई टू, वन का रूट वन और टू का रूट होता है रूट टू, रूट थ्री का रूट थ्री एंड फोर का रूट टू एंड वन का वन, बन गई हमारी पहली टेबल साइन की, जीरो, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, वन। चलिए लेफ्ट टू राइट और बस वैल्यू चिपका दीजिए। चलिए साइन जीरो डिग्री ज़ीरो, साइन थर्टी कितना आया, वन बाई टू, ये देखिए वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू, साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू एंड साइन नाइन्टी वन। चलिए कॉस ज़ीरो, बेटा अब उल्टा चलना है, अभी आप सागर से भोपाल गए हो, अब आप भोपाल से वापस सागर आइए, उल्टा चलिए, वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, वन बाई टू, ज़ीरो, उल्टे डायरेक्शन में चलिए। तो पीछे से लिखो यहाँ कॉस ज़ीरो कितना, वन, फिर कितना रूट थ्री बाई टू, फिर कितना वन बाई रूट टू, फिर कितना वन बाई टू और फिर कितना लास्ट वाला ज़ीरो। बच्चों ये बताओ मुझे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, आ गया सर। हाँ, yes, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। Clear. अब सब लोग जानते हैं कि भैया जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, मैंने बताया है कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवीज़न होता है। मतलब अगर साइन की वैल्यू में आप कॉस का डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन मिल जाएगा। तो चलो आओ डिवाइड करते हैं। तो साइन कितना है, ज़ीरो है, कॉस कितना है, वन, ज़ीरो अपॉन समथिंग ज़ीरो, वन बाई टू में रूट थ्री बाई टू डिवाइड करो तो वन बाई टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल, आंसर कितना आया वन बाई रूट थ्री। फिर वन बाई रूट टू में वन बाई रूट टू का डिवाइड कर दो कितना आएगा वन, फिर रूट थ्री बाई टू में वन बाई टू का डिवाइड कर दो तो टू से टू हो जाएगा कैंसिल और ऊपर आएगा रूट थ्री, नीचे आएगा वन, वन नीचे आता तो कोई लिखता ही नहीं है। और फिर वन में ज़ीरो का डिवाइड करो तो बच्चों वन अपॉन ज़ीरो होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, तो इसको इन्फाइनाइट लिख लो और नॉट डिफाइंड, वन बाई ज़ीरो इन्फाइनाइट। चलिए तो हमारे साइन मिल गए, कॉस मिल गए, टेन मिल गए, बस इनको अब पलट दो। तो ज़ीरो का रेसिप्रोकल वन बाई ज़ीरो मतलब इन्फिनिटी, वन बाई टू को पलटा मारो, टू ऊपर वन नीचे तो टू बाई वन मतलब टू, इसको पलट दीजिए रूट टू, इसको पलट दीजिए टू बाई रूट थ्री और वन को पलट दीजिए अगेन वन। नाउ कॉस वन को पलटिए वन बाई वन वन, इसको पलटिए यू विल गेट टू बाई रूट थ्री, इसको पलटिए यू विल गेट रूट टू, इसको पलटिए यू विल गेट टू और ज़ीरो को पलटिए वन बाई ज़ीरो अगेन इन्फिनिटी। नाउ पलटिए पलटिए ज़ीरो को वन बाई ज़ीरो इन्फाइनाइट, रूट थ्री वन बाई रूट थ्री को पलटिए रूट थ्री ऊपर वन नीचे, वन को पलटेंगे वन ही आएगा, वन का रेसिप्रोकल वन, रूट थ्री को पलटें, सर कैसे पलटें, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे वन है तो पलट दोगे तो वन बाई रूट थ्री आ जाएगा। ओके इन्फिनिटी को पलटो, इन्फिनिटी मतलब वन अपॉन इन्फिनिटी और वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है ज़ीरो, क्योंकि जब ज़ीरो नीचे आया था तो इन्फिनिटी ऊपर गया था, अब इन्फिनिटी नीचे आएगा तो ज़ीरो कहाँ जाएगा ऊपर, सो वन अपॉन इन्फिनिटी कितना ज़ीरो। बताइए कोई प्रॉब्लम कहीं पे? नो सर। ओके गाइस दिस इज लास्ट में समझ नहीं आया इन्फिनिटी और ज़ीरो। देखो बेटा मैंने क्या बताया था आपसे, वन अपॉन ज़ीरो अपन ने इन्फिनिटी लिया था बेटा। हाँ सर। तो आप याद करो अगर 1 अपॉन x y होता अच्छा, है अच्छा, तो y नीचे आता तो x ऊपर आता है, तो x इक्वल टू कितना 1 अपॉन y, तो इन्फिनिटी नीचे आएगा तो 0 ऊपर आएगा, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू कितना 0। क्लियर? ठीक है समझ गया। सो इन दिस वे वी कैन आई कैन राइट 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। सो गाइज इसकी फोटो खींच लो और इसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको याद हो जाएगी, बट अभी नहीं याद होगी मुझे पता है, ये एकदम सेशन के एंड तक याद होती है बच्चों को, है ना। बट अगर आप, मैं जो आपको करा रहा हूँ क्वेश्चंस, ये आपके जो मैंने कराएंगे अभी, अगर आप इनको लगातार लगा लोगे इसके क्वेश्चन तो आपको ये भी याद हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आपको ये बड़े स्मूथली याद हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब हम लोग करते हैं इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस और आते हैं देखते हैं एक्सरसाइज पे। तो बच्चों इसकी फ़ोटो खींच लो। अब एक सवाल आपके मन में और उठ रहा होगा कि सर ये वैल्यू निकाली कैसे जाती है, क्या ये वैल्यू एग्ज़ाम में निकालने को तो नहीं आएगी? नहीं, ये तो ट्रिक है। अब इसको निकाला कैसे जाता, तो आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं एक बार इसको बता देता हूँ कि इसको निकाला कैसे जाता है। तो किसके लिए निकाल दूँ मैं, चलो मैं 30 के लिए निकाल दूँ कि 45 के लिए निकाल दूँ कि 60 के लिए निकाल दूँ, बताओ। एक निकाल देता हूँ मैं, चलो 45 के लिए। चलो भाई 45 के लिए मैं निकाल देता हूँ एक वैल्यू, है ना।
आपका भी मन संतुष्ट हो जाएगा। आ जाइए भाई 45 के लिए, बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, और ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल है 90 डिग्री और 45 एंगल चाहिए है, एक एंगल होगा 45। तो सब लोग जानते हो कि ये तो 90 होता है, अब जब ये 45 होगा तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, 45 ही होना पड़ेगा। क्यों बच्चों, होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? यस सर। क्योंकि दोनों को 90 करके देना है बेचारों को, तो एक 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा। चलो बढ़िया बात हो गए। और अगर दो साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल हो तो इनके आमने सामने की भी साइड क्या होती है, इक्वल। तो ये भी होगी ए, तो ये भी क्या होगी ए। क्लियर? यस सर। अब इसको एक्स मान लीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चों लोग 2a स्क्वायर। सो एक्स इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट बाहर हो गया और 2 बेचारा बच गया, तो a रूट 2। चलिए अब निकालते हैं हम इस वाले 45 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम निकालेंगे साइन c, यानी कि साइन 45 डिग्री। तो ये बनेगा परपेंडिकुलर a, और ये बनेगा हाइपोटेनस क्या आ गया ए रूट टू, और ये बनेगा बेस। चलिए साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए, और हाइपोटेनस आया ए बाई रूट टू, ए रूट टू कैंसिल कैंसिल, आंसर 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। चलिए अब निकालते हैं कॉस 45। बेस कितना है भैया, ये है बेस, ये वाली साइड ए। कॉस 45 इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है ए, और हाइपोटेनस कितना है ए रूट टू। तो ए से ए कैंसिल, बन गया 1/√2। तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। चलिए टेन 45 निकालते हैं अब। तो टेन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर भी क्या है ए है, और बेस भी क्या है ए ही है, क्योंकि दोनों इक्वल थे। तो a अपॉन a कैंसिल हो गया, 1045 कितना आ गया 1। तो बस तीन चेक कर लेते हैं, बाकी तीन तो इनको पलट दो। तो 1/√2 क्या निकला, साइन निकला 1/√2, कॉस निकला 1/√2, टेन निकला है 1। चलो आ जाओ टेबल में, कहाँ गई टेबल, ये है टेबल। 45 डिग्री में देखिए साइन निकला 1/√2, कॉस निकला 1/√2, और ये आ गई 1। बस इसके बाद पलट दो तो √2 √2 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। तो भैया आपका जो है सर साइन 30 का बता दीजिए, बात तुम लोग कर लेंगे। साइन 30 का? यस सर। ठीक है, चलिए साइन 30 का एक बता देता हूँ मैं। साइन 30 डिग्री, आप देखिए साइन 30 डिग्री, आपको 30 डिग्री के लिए चाहिए ना, तो आपको एक कलाकारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। सो सपोज ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये साइड भी कितनी ए, ये साइड भी कितनी ए, दिख नहीं रहा बट मान लो ए ए ए तीन साइड आपके पास हो गई। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब क्या करो यहाँ से यार परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर डालते हो तो ये आधा आधा हो जाता है, मतलब ये भी ए बाई टू और ये भी ए बाई टू। परपेंडिकुलर क्यों डाला हमने, बिकॉज परपेंडिकुलर डालने से आपके पास ये जो है ना ये 90 डिग्री बन जाएगा और अपन लगा लेंगे। चलो तो ये वाली साइड कितनी बन गई बच्चों पार्टी, ये बन गई अपने पास a बाई टू, और ये कितने एंगल है, ये 60 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री है, और आपको पता होगा ये भी 60 था बट परपेंडिकुलर डालते ही ये आधा आधा हो गया, तो इतना बन गया 30 और इतना भी बन गया 30। चलिए अब लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो साइन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है, हमें ये पता है बट हमें ये नहीं पता, तो इसको मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, अब चलिए लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
हाइपोटेनस कितना है भैया, ए का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, एक्स है, ये देखिए इसके लिए खेल रहा हूँ मैं, एक्स है परपेंडिकुलर। और बेस कितना है, ए बाई टू है बेस। ये छोटा वाला ट्रायंगल जो दिख रहा ना बच्चों, इस पे मैं खेल रहा हूँ इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो यार इधर पे आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर बाई फोर। इसको साइड करो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर। बच्चों फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके, अपॉन कितना हुआ फोर, सो इट वुड बी थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर। अभी तो ये एक्स स्क्वायर आया है, बट हमारी डिमांड है एक्स की, सो हम लेंगे रूट। सो एक्स इक्वल्स टू रूट के अंदर थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, रूट थ्री तुम तो बैठे रहो रूट के अंदर, ए स्क्वायर था ए बाहर और टू, सो कितना आया रूट थ्री ए बाई टू। बस इतना काम काफ़ी है। चलो x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट थ्री ए अपॉन टू। तो हमारे पास एक्चुअली एक ट्रायंगल बन के आ चुका है। अब इस ट्रायंगल को क्रॉप करो जो अपने काम का है। ये ट्रायंगल अपन ने क्रॉप किया, ये दीजिए, ठीक है ना। और इसको ले चलते हैं अपन साइड में। चलो अब ये हो गया हमारे पास। अब आप कुछ बच्चे कहे हैं सर 60 डिग्री के लिए खेलो, चलो आ जाओ 60 डिग्री के लिए खेलते हैं। साइन 60, साइन 60 हो गया, कॉस 60 हो गया, टेन 60 हो गया, बस तीन काफ़ी हैं, तीन तो आप निकाल लोगे। तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। यार परपेंडिकुलर कितना निकला था, एक्स, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। और अभी एक्स आपने निकलवाया मेरे से, एक्स की वैल्यू देखिए रूट थ्री ए बाई टू है ना। तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है रूट थ्री ए बाहर है अपॉन टू। तो साइन 60 इक्वल टू अंडर रूट थ्री, ये क्या हो रहा है, अंडर रूट थ्री ए बाई टू है ना, ये होगी एक्स अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और नीचे क्या है, ए है, हाइपोटेनस अपॉन में गया। बच्चों ए से ए कैंसिल हो गया, पहला आंसर आया देखिए साइन 60 रूट थ्री बाई टू। नाउ कॉस 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस है ए बाई टू, और हाइपोटेनस आया है कितना अपॉन में ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया वन बाई टू। टेन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एक्स और बेस कितना है ए बाई टू। चलो एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू आई है रूट थ्री ए अपॉन टू डिवाइडेड बाई ए अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आंसर कितना आ गया भाई रूट थ्री। तो ये आ गया साइन 60, कॉस 60, टेन 60, तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। बोलो क्लियर बच्चों, यस सर, सभी को कंफर्टेबल हो। हाँ बेटा, साइन 60 एक बार फिर से बता दूं, चलो साइन 60 देखो बेटा, साइन 60 क्या है बेटा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है एक्स, हाइपोटेनस क्या है ए, तो साइन 60 इक्वल टू एक्स अपॉन ए। बस तो वन बाई ए करो और एक्स की वैल्यू डाल दो ऊपर, एक्स की वैल्यू क्या है रूट थ्री ए बाई टू। बेटा ए से ए हो गया कैंसिल, आंसर आ गया रूट थ्री बाई टू। चेक कर लो, यही वैल्यू है साइन 60 कॉस 60 टेन 60 की, क्या क्या आई, रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू रूट थ्री। चलो चेक करें, रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू रूट थ्री यहाँ है ना। चलो 60 डिग्री पे पहुँचो, ये पहुँच गया 60 डिग्री, साइन 60 रूट थ्री बाई टू, कॉस 60 वन बाई टू रूट थ्री, बिल्कुल सही, क्लियर। चलिए अब 30 डिग्री देख लो भाई, 30 डिग्री किसी बच्चे ने पूछा है कि सर 30 डिग्री कैसे निकलेगा, तो 30 डिग्री के लिए बस एंगल चेंज कर दो, ये वाला एंगल कर लो 30, क्योंकि 30 ऊपर बन रहा है यहाँ पे देख लो, तो 30 डिग्री के लिए एंगल चेंज कर दो। साइन 30 परपेंडिकुलर बन जाएगा ये, और हाइपोटेनस वही वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलो 30 डिग्री के लिए मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ अलग से, ये चलो ये था 30 डिग्री, ओके, ये कितना बन गया था, ये था ए बाई टू, ये कितना था ए, और ये कितना निकला है, ये निकला है रूट थ्री ए बाई टू। चलिए अब निकालो साइन 30, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर ए बाई टू, क्या है हाइपोटेनस,
हाइपोटेनस है ए, ए से ए कैंसिल, आंसर 1/2। कॉस 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, ये है ए बाई टू, ना 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 गलती हो गई, बेस तो ये होगा ना बेटा, इसके लिए 30 डिग्री का बेस जो चिपका हुआ होता है, चिपका हुआ बेस होता है, तो रूट 3 ए बाई टू अपॉन हाइपोटेनस कितना बच्चों, ए, ए से ए कैंसिल, कितना आ गया रूट 3 बाई टू, और टेन 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बाई टू, और बेस कितना है रूट 3 ए बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आंसर कितना आ गया बोलो, 1/√3। बस आ गई बच्चों वैल्यू 1/√3/2 1/√3, 30 डिग्री के लिए वैल्यू सेट नोट करो 1/√3/2 1/√3। चलिए वैल्यू चेक करते हैं 1/√3/2 1/√3। चलिए वैल्यू देखिए 10/30 है ना, किसके लिए 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए देखिए 1/√3/2 1/√3। चलिए तीनों एंगल पूछ लिया आपने तो बन जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, वैल्यू बनाने को मगर नहीं आती है बट आपको बननी चाहिए, कर लेंगे ना? यस यस सर, यस सर। ओके ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस शीट मैं आज करा रहा हूँ एक बार इसको कर लेना क्योंकि थोड़ा सा नया है, ठीक है ओके। अब सीधे सीधे आते हैं एक्सरसाइज पे, अब हमारी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, अगली एक्सरसाइज देखते हैं भाई कौन सी एक्सरसाइज है। ओके तो 5 एक्सरसाइज हैं टोटल यहाँ पे आर एस अग्रवाल में, अब 5 एक्सरसाइज में आई थिंक ये 7 वाला होगा, दिस इज 6-1 6-1। ओके ओके बच्चों, यस बिल्कुल सही, 6-1 ही है एक्सरसाइज। ओके अब देखिए करना क्या है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चों अपने सामने रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अपने सामने रखनी है, बस वैल्यू भड़ा भड़ा आपको पुट करनी है। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। चलिए अब देखिए साइन 60 मतलब साइन की टेबल में देखो 60 डिग्री कहाँ पे है, ठीक है साइन की टेबल में 60 डिग्री, तो साइन की टेबल में 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, रूट 3 बाई टू, तो चलो यहाँ पे पुट कर दो रूट 3 बाई टू और रूट 3 बाई टू। कॉस की टेबल में 30 डिग्री देखो, ये कॉस है, कॉस की टेबल का 30 डिग्री अगेन रूट 3 बाई टू, चलो फिर से रूट 3 बाई टू प्लस कॉस 60, कॉस की टेबल का 60 डिग्री देखो बच्चों, कॉस की टेबल का 60 डिग्री 1/2 ये बैठा है तो यहाँ पे 1/2 डाल दिया। एंड साइन की टेबल का 30 डिग्री कहाँ पे है, साइन की टेबल का 30 डिग्री 1/2 तो ये 1/2 यहाँ डाल दिया। चलिए रूट 3 इंटू रूट 3 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 कैंसिल, आंसर आ गया 1। बताओ कोई डिफिकल्टी? नो सर, नो सर। तो पूरी एक्सरसाइज में देखिए टिक लगे हैं, हर एक बच्चों ने सॉल्व करे हैं, ये पिछले साल मैंने टिक लगाए थे, एक एक स्टूडेंट ने एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे, हर साल यही करवाता हूँ है ना, पहले आरएस लगवाता हूँ फिर उसके बाद आरडी शर्मा लगवाता हूँ। तो आप लोग का आज का काम यही है, आप लोग पूरी एक्सरसाइज मेरे को सॉल्व करके दीजिए, और भैया कोई भी पैनिक नहीं होएगा, जितनी क्लासेस लगनी है लगने दो है ना, आप लोग बिंदास क्लास में बैठो, मैंने बोला है ना मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तो आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल ऐसे पीड़ित हो जाते हो जैसे कि हम दुनिया छोड़ के चले गए हों तो भैया क्लासेस आपकी लगेंगी बकायदे, आप लोग बिल्कुल पैनिक नहीं होना, ठीक है ना, और जो क्लासेस लग रही हैं उनको बढ़िया फुल इच्छा के साथ पूरी डेडिकेशन के साथ आप लोग बाकी क्लास भी अपीयर हुई है, तो बताइए ये काज काम करके लेके आओगे ना आप लोग। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पक्का आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है? यस सर, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब इतना इंपॉर्टेंट है तो मुझे करा देना चाहिए ये क्वेश्चन, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 चलो मैं करा देता हूँ, या 24 बिल्कुल एक जैसा है, आइए मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 या 24। अनूप समझ में आई क्लास? यस सर,
क्लियर हो गया कंसेप्ट इसका एंगल का? यस सर। ओके भाई, चलिए बच्चों देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है, आइए करते हैं इसको। क्या इक्वेशन दी गई है बच्चों? आपको पहली इक्वेशन दी गई है साइन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई टू। तो देखो जरा साइन ए माइनस बी, अब ये देखो बच्चों कि 1/2 साइन की टेबल में कहाँ पे आता है, चलो तलाशें। ये है टेबल, देखो साइन की टेबल में 1/2 कहाँ बैठा है? साइन 30 डिग्री, ये बैठा 30 डिग्री। 30 डिग्री बिल्कुल सही। तो जहाँ 1/2 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 30, क्योंकि साइन 30 1/2, मतलब 1/2 इक्वल टू साइन 30। तो जहाँ पे 1/2 है मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया साइन 30। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि साइन और साइन एलिमिनेट हो गए और मेरे पास रिजल्ट आया ए माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर वन। दूसरा इक्वेशन उठाइए, क्या कह रहा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो चलो कॉस ए प्लस बी भी 1/2 है, कॉस 16। तो कॉस ए प्लस बी 1/2, देखिए टेबल में कहाँ पे होती है 1/2। चलो आ जाओ टेबल में देखो, कॉस की टेबल में 1/2 कहाँ पे है, देखो ये बैठा है 1/2, 60 डिग्री। सो मैं 1/2 की प्लेस में मैं क्या पुट कर सकता हूँ? कॉस 60 पुट कर सकता हूँ ना? बोलो बोलो। यस सर। हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू हो गया कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो दो इक्वेशंस आ गए मेरे पास, ए माइनस बी 30 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 60। अब तो लीनियर इक्वेशन के राजा हम है ही हैं, सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करो, बी अपने आप लौटने को तैयार है, ऐड कर दो। तो ए प्लस ए कितना हो गया 2a एंड 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। तो a इज इक्वल टू कितने डिग्री? 45 डिग्री। दूसरा इक्वेशन a प्लस बी भैया है कितना? 60। सो b इज इक्वल टू 60 माइनस a, 60 माइनस 45, आंसर हाउ मच? 15 डिग्री। सो चलिए चेक करते हैं आंसर, 45 एंड 15, बिल्कुल सही। देखिए a आया है 45 एंड b आया है 15, वी विल गेट 3 आउट ऑफ 3। चलो कर लोगे सारे के सारे बच्चों? यस सर। ओके सो यार 11 पेजेस हैं और मेरे ख्याल से एक शीट और होनी चाहिए इसकी, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारी किस्मत है ना। बट 11 पेजेस हैं, बहुत आसान बात है, मेरे को आज रात तक या कल तक आप लोग मैसेज कीजिए कि सर डन, तो मज़ा आ जाए देख करके मैसेज। चलिए और किसी का कोई डाउट आज के लिए? लिख के भेजना भी है क्या? अरे ग्रुप में बस एक लाइन लिख देना सर डन, है ना? ठीक है सर। ठीक है ना? और क्या है, मैं आंसर्स इसलिए मंगाता हूँ कि आंसर्स देने से जब एक बच्चा आंसर देता है ना तो दूसरा बच्चा भी आंसर देने के लिए फिर उसको भी इंक्रेजमेंट मिलता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग आंसर डाला करो, तो जिससे क्या है सब लोग थोड़े से प्रेरित होते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। सर ये पीडीएफ शेयर कर दें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।